नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं y इक्वल टू sec x का ग्राफ। तो देखिए y इक्वल टू sec x, इसका प्रांत परिसर और ग्राफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला प्रांत हम लोग देखेंगे इसका sec x का। तो देखिए इसका जो प्रांत है ये क्या होगा भाई। प्रांत का मतलब क्या होता है? x के ऐसे मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित होता है प्रांत कहलाता है। अब यहां sec x को अगर हम देखें तो देखिए इसमें जैसे ही sec x का वैल्यू इन्फिनिट होगा तो फलन परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब तो sec x का वैल्यू इन्फिनिट कब आएगा? देखिएगा, आप जानते हैं sec x को आप लिखते हैं 1/ cos x। तो जैसे ही cos x का मान 0 होगा तो sec x हो जाएगा इन्फिनिट। अब cos x 0 कब होगा? जब x का मान आपके पास में आ जाता है 2n+1 π/2, यानी cos π/2 का मान 0 होता है। इसके बाद cos 3π/2 का मान 0 होता है। इसके बाद cos 5π/2 का मान 0 होता है। cos 7π/2 का मान 0 होता है। तो जैसे ही व्यापक रूप में अगर उनको लिखे अपन एक श्रेणी के रूप में, तो x का जो मान है 2n+1π/2 हो जाता है। n कोई भी पूर्णांक हो जाए सर। तो जैसे ही आप लोग x का वैल्यू 2n+1π/2 करते हैं तो cos x का मान 0 हो जाता है और sec x का मान हो जाता है इन्फिनिट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जब भी x का मान 2n+1π/2 करते हैं तो sec x परिभाषित नहीं होता है। तो बस रियल नंबर में से इस 2n+1π/2 को छोड़ दीजिएगा, बाकी रियल नंबर्स जो भी बचेंगे उन सबका जो समुच्चय है वो हो जाएगा sec x का प्रांत। तो देखिए sec x का प्रांत हो जाएगा r माइनस इन्फिनिट आ रहा है 2n+1π/2 पर, तो प्रांत को लिखेंगे अपन r माइनस 2n+1π/2। इसके बाद में हम देखेंगे परिसर की। तो देखिए भाई sec x का जो मान है वो हम लोग जानते हैं कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक आता है, लेकिन माइनस वन से प्लस वन के बीच में sec x का मान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए sec x का जो परिसर होता है वो आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं, माइनस इन्फिनिट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिट। ठीक है, तो माइनस वन से छोटा होगा, प्लस वन से बड़ा होगा, लेकिन इनके दोनों के बीच में माइनस वन और प्लस वन के मध्य आपको sec x का मान कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए अब sec x का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो sec x का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से होगा देखिए। कुछ बिंदु हम लोग ले लेंगे यहां, सबसे पहले 0, फिर आपने ले लिया π/2, फिर आ गया पाई, इसके बाद में आपके पास में आ गया 3π/2, और 3π/2 के बाद में आ गया 2π। बाई तरफ हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और माइनस 2π। ठीक है, और अब देखो एक बार मैं टेबल बना देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में थोड़ी सुविधा रहेगी। एक्स और वाई के वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। एक्स वाई, सबसे पहले जैसे हम लोग एक्स का मान 0 कर देंगे तो सेक 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद में π/2 हम लोग कर लेते हैं, तो एक्स का मान π/2 करिए तो sec π/2 का मान हो जाएगा इन्फिनिट। फिर इसके बाद में पाई कर लीजिए तो sec पाई का जो मान है -1 हो जाएगा, और sec 3π/2 तो sec 3π/2 का मान हो जाएगा माइनस इन्फिनिट और 2π, तो sec 2π का जो मान है ये आपके पास में आ जाएगा +1। ठीक, और नेगेटिव वैल्यू भाई हम जानते हैं sec माइनस एक्स बराबर होता है sec x के, इसलिए -π/2 पर भी प्लस इन्फिनिटी रहेगा, पाई पर भी -1 ही रहेगा, -3π/2 पर भी माइनस इन्फिनिटी होगा और -2π पर भी 1 ही होगा। अब ग्राफ बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला काम तो अपना क्या होता है, जिन बिंदुओं पर इन्फिनिट आ रहा है फलन का मान उनके ऊपर बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दीजिएगा। तो इन्फिनिट कहाँ आ रहा है देखिएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं π/2 पर जो वैल्यू है वाई का ये इन्फिनिट है, तो π/2 पर बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दीजिएगा। तो π/2 पर हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना रहे हैं, देखिए ये हमने बना दी π/2 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा।
इसके बाद में हम लोग बनाएंगे 3π/2 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, 3π/2 पर भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने बना दी है, ये लीजिए भाई 3π/2 पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपने बना दी। और बिल्कुल इसी प्रकार से π/2 पर इन्फिनिट आ रहा है तो -π/2 पर भी इन्फिनिट आएगा, इसलिए -π/2 पर भी एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना दीजिए। ये -π/2 पर हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना ली, और इसके बाद में हम बनाएंगे -3π/2 पर। तो अब हम -3π/2 पर हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे, -3π/2, ठीक है। तो ये लीजिएगा, ये सब आपने बना लिए, ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपने बना दी। तो अब ग्राफ बनाना प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए जो जीरो है, जीरो पर इसका वैल्यू आपके पास में आ रहा है 1, ये जीरो था, और जीरो पर जो इसका मान है ये आपके पास में +1 है। ये सपोज +1 बना देता हूं मैं यहां, और -1 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर भी मैं एक रेखा खींच देता हूं ताकि वैल्यू लिखने में अपने को थोड़ा आसानी रहेगी। 1 से गुजरने वाली x अक्ष के समांतर रेखा मैंने ये खींच दी है, और इधर भी खींच देता हूं नीचे भी, -1 से गुजरने वाली x अक्ष के समांतर रेखा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले आपने देखा sec 0 का वैल्यू 1 है, इसके बाद में आप देख सकते हैं sec π/2 का जो वैल्यू है ये इन्फिनिट है। तो देखिए ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, 1 से बढ़ता जा रहा है और π/2 पर वैल्यू जाकर के हो जाएगा इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब आपको इस रेखा के बहुत ज्यादा नजदीक तक लेके जाना है। अब देखिए π/2 के बाद में पाई पर जो मान है ये -1 है। अब करेंगे क्या आप लोग, देखिएगा भाई आपका ग्राफ यहाँ प्लस इन्फिनिट पर खत्म हुआ है, तो जब भी ग्राफ को आप लोग प्लस इन्फिनिट पर छोड़ते हैं तो फिर उसको प्रारंभ करेंगे माइनस इन्फिनिट से। तो यहाँ प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है इसलिए प्रारंभ करेंगे आप लोग माइनस इन्फिनिट से, और माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ होकर के ये पाई पर जो वैल्यू है ये आपके पास में आ जाता है -1। तो ये लीजिएगा पाई पर हो जाएगा -1, ठीक है। और फिर 3π/2 पर देखिए, 3π/2 पर आप देख सकते हैं इसका मान है -इन्फिनिट। तो 3π/2 पर -इन्फिनिट तो ये लीजिएगा, ठीक है। फिर आपकी बात क्या हुआ, ग्राफ को आपने छोड़ा -इन्फिनिट पर, तो प्रारंभ करेंगे प्लस इन्फिनिट से, और 2π हो जाएगा 1। तो प्लस इन्फिनिट से प्रारंभ करिए और 2π पर जो मान है ये आपके पास में हो जाएगा कितना 1। अब इधर आ जाइए बाई तरफ, तो सबसे पहले -π/2 की हम बात करेंगे। तो चूंकि π/2 पर इन्फिनिट है इसलिए -π/2 पर भी इन्फिनिट होगा, तो -π/2 पर इन्फिनिट होगा तो ये लीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि ग्राफ को आपने प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा है तो अगला जो प्रारंभ करेंगे वो माइनस इन्फिनिट से करेंगे, और पाई पर हो जाएगा -1। तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ करिए और ये -π पर आके इसका जो मान है ये -1 हो जाता है। फिर इसके बाद में -3π/2 पर देखिए भाई, 3π/2 पर माइनस इन्फिनिट है इसलिए 3π/2 पर भी माइनस इन्फिनिट होगा। तो जो ग्राफ है ये लीजिएगा, ये आ गया माइनस इन्फिनिट पर। फिर इसके बाद में देखो ग्राफ को आपने छोड़ा है माइनस इन्फिनिट पर, तो अगला जो ग्राफ है वो अपन प्रारंभ करेंगे प्लस इन्फिनिट से, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिट से अपन ग्राफ प्रारंभ करेंगे और देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा -2π पर 1। तो यहां से प्लस इन्फिनिट से प्रारंभ होता हुआ आएगा यहां पर आके कितना हो गया आपके पास में 1। ये हमने बना लिया है y=secx का ग्राफ, जिसका प्रांत आप लोग देख चुके थे r-2n+1π/2, यानी कि इन्फिनिट कहां का आ रहा है, π/2 पर इन्फिनिट आ रहा है, 3π/2 पर इन्फिनिट आ रहा है, -π/2 पर आ रहा है, ठीक है, -3π/2 पर आ रहा है। तो इन सबको व्यापक रूप में लिख देते हैं r-2n+1π/2, और n belongs to z, यानी n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और परिसर देखो ध्यान से जो हमने लिखा था। अब इस ग्राफ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि -1 और +1 के बीच में ग्राफ का कोई भी भाग विद्यमान नहीं है। देखो -1 और +1 के बीच में ग्राफ आ ही नहीं रहा है, ग्राफ आ रहा है या तो -1 के नीचे आ रहा है या +1 से ऊपर जा रहा है। तो -1 से नीचे आने का मतलब तो ये हो गया -1 से छोटा, जो कि -इन्फिनिट तक हो, +1 से ऊपर जाने का मतलब हो गया 1 से बड़ा, जो कि कहां तक हो, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये हमने बना दिया secx का प्रांत, परिसर और उसका ग्राफ। अब हम देखेंगे
कोसेक एक्स का। तो अब फलन अपने पास में है वाई इक्वल टू कोसेक एक्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका प्रांत, ठीक है। देखता है देखिए कोसेक एक्स का जो प्रांत है ये क्या होगा। प्रांत अभी देखा है एक्स के जिन भी मानों के लिए फलन परिभाषित होगा उन सबका समुच्चय इसका प्रांत कहलाएगा। तो देखो परिभाषित कब नहीं होगा, जब कोसेक एक्स का वैल्यू इन्फिनिट आ जाएगा। तो आर माइनस, अब देखते हैं कोसेक एक्स इन्फिनिट कब आता है। भाई कोसेक एक्स का मतलब होता है एक बटा साइन एक्स। तो जैसे ही साइन एक्स जीरो आएगा कोसेक एक्स हो जाएगा इन्फिनिट। अब कोसेक साइन एक्स का मान जीरो कब होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, उसके बाद में पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई इन सबका वैल्यू जीरो होता है। यानी व्यापक रूप में अगर अपन देखते हैं तो साइन एक्स जीरो होता है जब एक्स इक्वल टू क्या होता है एन पाई, ठीक है। तो जैसे ही एक्स का वैल्यू एन पाई होता है तो साइन एक्स हो जाता है जीरो, और साइन एक्स जीरो हो जाता है इसलिए कोसेक एक्स हो जाता है इन्फिनिट। तो कोसेक एक्स इन्फिनिट हो गया यानी कि कोसेक एक्स अपरिभाषित हो जाता है। कब हो जाता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होता है एन पाई। तो इसका जो प्रांत वो क्या हो जाएगा, आर में से एन पाई घटा दीजिए तो आर माइनस एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। अब हम बात करते हैं इसके परिसर की, परिसर। तो देखिए कोसेक एक्स का जो परिसर क्या है, जैसे अभी हमने सेक एक्स का परिसर जो देखा बिल्कुल वही परिसर कोसेक एक्स का होगा, माइनस वन से छोटा होगा और प्लस वन से बड़ा होगा, दोनों के बीच में कोई वैल्यू आपको प्राप्त नहीं होगा। तो परिसर इसका होगा माइनस इन्फिनिट से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिट, ये आपके पास में जाएगा इसका परिसर। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। तो देखते हैं कोसेक एक्स का जो ग्राफ है किस प्रकार से होगा। ये तो जीरो सबसे पहले, उसके बाद में पाई बाई टू हमने ले लिया, पाई बाई टू के बाद में ले लिया पाई, फिर आपने लिया थ्री पाई बाई टू और इसके बाद में हमने लिया टू पाई। अब कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस टू पाई, ठीक है ना भाई, ये ले लिए सब आपने। अब देखिएगा एक बार तुम टेबल बना देता हूँ, ये प्लस वन और ये माइनस वन टेबल बना देते ताकि ग्राफ बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। मैं तो टेबल यहां बना देता हूं, एक्स और वाई। सबसे पहले एक्स का मान जीरो कर लिया तो कोस जीरो कोसेक जीरो का जो मान है इन्फिनिट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमने ले लिया है पाई बाई टू, तो एक्स का मान जैसे ही पाई बाई टू कर दोगे तो बना जाएगा कोसेक एक्स का वैल्यू। पाई करिएगा तो पाई अब इन्फिनिट आएगा, अब प्लस इन्फिनिट होगा या प्लस इन्फिनिट ही आएगा। फिर इसके बाद में आपके पास आ जाएगा थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू पर जो वैल्यू है माइनस वन आ जाता है और टू पाई, तो टू पाई पर जो इसका मान है ये माइनस इन्फिनिट हो जाएगा कोसेक एक्स का, ठीक है। और अब देखते हैं भाई, अब इसको हम देखें तो क्या बनेगा, देखिएगा बनाइए ग्राफ। सबसे पहले जीरो पर आप देख सकते हैं इन्फिनिट है, तो सबसे पहला काम तो अपना क्या, जिन बिंदुओं पर वैल्यू इन्फिनिट आ रहा है वहां पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना लेंगे। तो देखिए इन्फिनिट कहां का आ रहा है, सबसे पहले जीरो पर आ रहा है, तो जीरो पर तो ऊर्ध्वाधर रेखा आपके पास में पहले से विद्यमान है। इसके बाद में पाई की हम बात कर रहे हैं, तो पाई पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा आप लोग बना लीजिएगा। तो ये लीजिएगा ये जो पाई है, इस पाई पर हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना ली है, ठीक है। और पाई के जो बाद में है टू पाई, टू पाई पर बना लीजिएगा, ठीक है, टू पाई पर भी बना लीजिए। तो पाई पर अगर इन्फिनिट है तो माइनस पाई पर भी इन्फिनिटी आएगा, और माइनस टू पाई पर भी, ठीक है। अब मैं वन से गुजरने वाली एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच देता हूं,
एक माइनस वन से गुजरने वाली कैसे देते हैं, ठीक है भाई। और अब ग्राफ बनाते हैं, देखो तो बनाइए। सबसे पहले जीरो पर आपने देखा इसका वैल्यू है इन्फिनिट, तो अब जीरो पर वैल्यू इसका इन्फिनिट है और पाई बाई टू पे आके वन हो जाता है, तो जीरो पर इन्फिनिट था जो कि पाई बाई टू पर आके कितना हो गया वन। फिर इसके बाद में पाई पर इन्फिनिट हो जाता है फिर से, तो पाई पर हो गया इन्फिनिट, ठीक है। इस प्रकार से ये लीजिए। अब अगला देखिएगा ग्राफ आपका पाई बाई टू पर छोड़ा है ना, पाई बाई टू पर इन्फिनिट पर छोड़ा, तो अगला जो प्रारंभ करेंगे वो माइनस इन्फिनिट से करेंगे और थ्री पाई बाई टू पर जो मान है माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिट से प्रारंभ किया और थ्री पाई बाई टू पर आके माइनस वन हो गया भाई, ठीक है। और इसके बाद में टू पाई पर देखिए माइनस इन्फिनिट हो जाता है, तो टू पाई पर माइनस इन्फिनिट हो गया, तो ये लीजिएगा। अब बाई तरफ आ जाइए, तो देखो आप जानते हैं कि कोसेक माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स, इसलिए पाई बाई टू का वैल्यू अगर वन है तो माइनस पाई बाई टू का माइनस वन आएगा। तो ध्यान देना ग्राफ आपने यहां प्लस इन्फिनिट पर छोड़ा था, अब प्रारंभ करोगे माइनस इन्फिनिट से और माइनस इन्फिनिट से माइनस पाई बाई टू पर आते माइनस वन हो गया। फिर इसके बाद में माइनस पाई पर अगर हम देखें तो पाई पर आप देख सकते हैं इन्फिनिट है, इसलिए माइनस पाई पर माइनस इन्फिनिट आएगा, तो ये लीजिएगा। और माइनस इन्फिनिट पर छोड़ा तो ग्राफ को प्रारंभ करेंगे प्लस इन्फिनिट से और थ्री पाई बाई टू पर माइनस एक है, इसलिए माइनस थ्री पाई बाई टू पर प्लस एक आपके पास में आ जाएगा। और फिर इसके बाद में अगर आप लोग देखते हैं माइनस टू पाई पर देखिए, टू पाई पर माइनस इन्फिनिट है इसलिए माइनस टू पाई पर प्लस इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये ग्राफ आपके पास में इस प्रकार से बन गया भाई। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू कोसेक एक्स का। तो देख सकते हैं इन्फिनिट जो था पाई टू पाई माइनस टू पाई पर था, इसलिए प्रांत अपने आर माइनस एन पाई लिख दिया। और आप देख सकते हैं माइनस और प्लस माइनस वन और प्लस वन के बीच में ग्राफ का कोई भी भाग विद्यमान नहीं है, यानी कि ग्राफ है ही नहीं दोनों के बीच में। इसका मतलब जो परिसर वो क्या होगा, ग्राफ जो है या तो माइनस वन से नीचे की तरफ है या प्लस वन से ऊपर की तरफ। माइनस वन से नीचे की तरफ यानी माइनस वन से बड़ा छोटा, जिसको आप माइनस इन्फिनिट टू माइनस वन लिखते हैं, और प्लस वन से ऊपर की ओर है यानी कि वन से इन्फिनिट, दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपके पास में आ गया कोसेक एक्स का प्रांत, परिसर और इसका ग्राफ। अब इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला ग्राफ हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ हम देखेंगे वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x हमने ले लिया, तो इसका मतलब आप जानते हैं डेफिनेशन से कि x इक्वल टू हो जाएगा साइन y, ठीक है। तो इसका प्रांत और परिसर हम लोग देखे अगर एक बार साइन इनवर्स x का, तो प्रांत तो क्या हो जाएगा देखिएगा, अभी अपने देखा है कि जो साइन x का जो प्रांत होता है, साइन x का जो प्रांत है वो साइन इनवर्स x का परिसर हो जाएगा, और साइन एक्स का जो परिसर है यह साइन इनवर्स एक्स का प्रांत हो जाएगा, दोनों उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के। तो देखिए साइन एक्स का जो परिसर है वो आप जानते हैं माइनस एक से प्लस एक तक होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है ये माइनस एक से प्लस एक आएगा। अब इसका जो परिसर हुआ, परिसर देखिए इसमें अलग अलग बहुत सारे भाग बना सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हम लोग बना सकते हैं, है ना, वो अभी हम लोग ग्राफ से देख लेंगे। देखो किस प्रकार से बनाएंगे, तो परिसर के हम एक से ज्यादा अंतराल इस पर बना सकते हैं, और वो किस प्रकार से वो तो हम ग्राफ से ही देखेंगे। तो अब एक बार मैं बना रहा हूं ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का। तो देखिए वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स या एक्स इक्वल टू साइन वाई अपन कहें तो बात तो एक ही है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने का मतलब है एक्स इक्वल टू साइन वाई का ग्राफ बना लीजिए। तो हम ग्राफ बनाएंगे देखिए इसका,
ठीक है, ये लीजिएगा जीरो, मैं टेबल यहां पर बना देता हूं सुविधा के लिए, एक्स और वाई। तो देखिए हम यहां से बना रहे ग्राफ एक्स इक्वल टू साइन वाई से, तो इसमें वाई का वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स का मिल जाएगा, तो वाई का जीरो कर दिया तो साइन जीरो का मान जीरो, पाई बाई टू कर दोगे तो साइन पाई बाई टू आ जाएगा मान, पाई अगर कर दोगे तो साइन पाई का हो जाएगा जीरो, थ्री पाई बाई टू तो साइन थ्री पाई बाई टू का मान आ जाएगा माइनस एक, फिर टू पाई कर दोगे तो साइन टू पाई का मान जीरो। ठीक है, नेगेटिव विलंब देख लेंगे फिर यहां से। तो देखिए एक्स का मान तो आपके पास में प्लस एक और माइनस एक तक आ रहा है, तो एक्स का मान प्लस एक और इधर ये आगे आपका माइनस एक और आगे तक चलता रहेगा जो भी है। फिर इसके बाद में वाई पर कुछ वैल्यू लिखे तो ये जीरो आ गया, फिर इसके बाद में पाई बाई टू, पाई बाई टू के बाद में आ गया पाई, और फिर इसके बाद में आप लोग ले लेंगे थ्री पाई बाई टू, और थ्री पाई बाई टू के बाद में हम लेते हैं टू पाई। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे की तरफ आ जाएगा, सबसे पहला माइनस पाई बाई टू, फिर आ जाएगा माइनस पाई, फिर आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस टू पाई। ठीक है, तो बना दीजिएगा ग्राफ। ग्राफ बना रहे सबसे पहले जीरो पर देखिए, एक्स का वाई का मान जैसे जीरो तो एक्स का भी जीरो है, तो ये बिंदु आ गया आपके पास में जीरो जीरो। फिर इसके बाद में देखना, जैसे ही वाई का मान पाई बाई टू है तो एक्स का मान एक है, तो वाई का मान पाई बाई टू और एक्स का मान एक ये लीजिएगा। ठीक, और फिर पाई पर जीरो हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू पर इधर माइनस एक है और टू पाई पर जीरो है। अब नेगेटिव वैल्यू भी देख लीजिएगा, तो एक बार मैं ग्राफ बना देता हूं ऊपर की तरफ, भाई जीरो पर जीरो था, पाई बाई टू पर जाके वन हो गया तो इसको मिला दीजिएगा, और फिर पाई पर हो गया जीरो तो ये लीजिएगा, और फिर थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन, फिर टू पाई पर जीरो। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ गया। अभी नीचे की तरफ देख लेते हैं नेगेटिव वैल्यूज में, तो आप जानते हैं साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, इसलिए आप देख सकते हैं कि जब पाई बाई टू पर वन है तो माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन आएगा, तो माइनस पाई बाई टू पर जो वैल्यू है ये माइनस वन आ जाएगा, तो ये लीजिएगा। अब पाई पर जीरो है इसलिए माइनस पाई पर भी जीरो होगा, थोड़ा सा घुमा कर गिर रहे, और फिर पाई पर वापस हो जाएगा जीरो, तो ये लीजिएगा पाई पर हो गया जीरो। अब थ्री पाई बाई टू पर माइनस एक है इसलिए माइनस थ्री पाई बाई टू पर प्लस एक हो जाएगा, तो माइनस थ्री पाई बाई टू पर प्लस एक हो गया आपके पास में, और टू पाई पर जीरो है इसलिए माइनस टू पाई पर भी जीरो आ जाएगा। तो ये ग्राफ अपने पास में बन गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अब इसका परिसर हम देखते हैं, देखिए परिसर क्या होगा। भाई परिसर का मतलब क्या है कि प्रांत जब माइनस वन से वन का है तो उसके लिए वाई के मानों का समुच्चय, वो परिसर हो जाएगा आपके पास में। तो परिसर देखते हैं इसमें, अब देखना भाई परिसर इसमें क्या होगा, वाई के मान देखना। तो देखो माइनस वन से लेकर के प्लस मान तक, प्लस वन तक के सारे मान इसमें आ जाने चाहिए। तो देखिए ये माइनस वन है आपका और ये प्लस वन है, तो यहां ये जो माइनस वन प्राप्त हुआ आपको ये तो कितने पर प्राप्त हुआ, माइनस पाई बाई टू पर। यहां ये जो प्लस वन प्राप्त हुआ सबसे पहले आपको ये किस पर प्राप्त हुआ, प्लस पाई बाई टू पर। इसलिए इसका जो परिसर है ये आप लोग लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, इससे आगे अगर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो परिसर है वो आप ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस से थ्री पाई बाई टू पर भी इधर माइनस वन, इधर थ्री पाई बाई टू पर भी वन, तो माइनस थ्री पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू भी आप इसका परिसर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस फाइव पाई बाई टू से पाई बाई टू भी आप लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से परिसर आप इसका लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा परिसर में जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है यानी सबसे छोटा अंतराल जो है उसको आप लोग मुख्य मानों का अंतराल भी कहते हैं। तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है इसको आप लोग क्या कहते हैं भाई, मुख्य मानों का अंतराल। ये साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मानों का अंतराल है। ठीक है,